दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंक्रीट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट कितने होते हैं, कंक्रीट के प्रकार किन घटकों पर आधारित होते हैं। ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। तो दोस्तों थंबनेल देख कर ही आपको मालूम हो गया है कि अपना आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों कंक्रीट के जो टाइप्स है वो मोस्टली मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मिक्स डिजाइन, फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन, मटेरियल, इन सब घटकों पर निर्धारित होता है। आज मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट के टाइप्स बताने की कोशिश की है जो कि एक सिविल इंजीनियर को ज़रूर मालूम होने चाहिए। और जो मेरे दोस्त अभी सिविल डिग्री के स्टूडेंट है और जो फ्रेशर इंजीनियर है उनके लिए ये मेरा आज का वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है। एक सिविल इंजीनियर को इंटरव्यू में कंक्रीट के ऊपर सवाल ना पूछा जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो कंक्रीट के ऊपर एक सिविल इंजीनियर को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जो सिविल इंजीनियर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू देने का, उनको ये वीडियो का लाभ जरूर होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और आपको आखिर में मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले नंबर पे हम जो कंक्रीट का टाइप देखने वाले हैं वो है नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। दोस्तों नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है वो बेसिक मटेरियल यानी सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर का मिश्रण करने पर हमें नॉर्मल स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट मिलता है। इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ 10 MPa से लेके 40 MPa तक वेरी होती है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि MPa मतलब मेगापास्कल। मेगापास्कल यह एक यूनिट है दोस्तों जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से लेके 90 मिनट तक होता है जो कि सीमेंट प्रॉपर्टी और वेदर कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों ये था नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा कंक्रीट का टाइप है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों प्लेन कंक्रीट। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि प्लेन कंक्रीट में स्टील या रिइंफोर्समेंट नहीं दी जाती, इसे हम PCC भी कहते हैं। प्लेन कंक्रीट का मिक्स डिजाइन रेशो जो कि हम सबको मालूम है 1:2, 2:4 होता है। प्लेन कंक्रीट की डेंसिटी दोस्तों 2200 kg से 2500 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। प्लेन कंक्रीट ज़्यादातर फुटपाथ या जहाँ पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है वहाँ पर किया जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे कौन सा कंक्रीट का टाइप है। तीसरा कंक्रीट का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो कि है रिइंफोर्स कंक्रीट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिस कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ लाने के लिए रिइंफोर्समेंट को प्लेस किया जाता है उसे रिइंफोर्स कंक्रीट कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले टाइप ऑफ कंक्रीट में देखा था कि प्लेन कंक्रीट इज वीक इन टेंशन बट गुड इन कंप्रेशन। लेकिन कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट प्लेस करने के बाद कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। रिइंफोर्स कंक्रीट में स्टील और कंक्रीट दोनों मिलकर फोर्स को रेसिस्ट करते हैं और इसलिए रिइंफोर्स कंक्रीट वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन बिल्डिंग मटेरियल बन गया है दोस्तों। देखते हैं अगला टाइप ऑफ कंक्रीट जो है प्रीटेस्ट कंक्रीट। तो दोस्तों जितने भी मेगा कंक्रीट्स प्रोजेक्ट हैं वो सब प्रीटेस्ट कंक्रीट से किए गए हैं क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्गर स्पैन स्ट्रक्चर, वाइड रेंज ऑफ बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही प्रीटेस्ट कंक्रीट में हम स्ट्रक्चरल थिकनेस रिड्यूस कर सकते हैं जिससे मटेरियल का सेविंग भी होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट की तरफ जो है प्रीकास्ट कंक्रीट। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि प्रीकास्ट कंक्रीट किसे कहते हैं, आपने जनरली देखा भी होगा, काम भी किया होगा। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बेसिक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों प्रीकास्ट कंक्रीट का एडवांटेज ये है कि आप इस कंक्रीट को साइट पर बनाकर स्पीडअप में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें आप अच्छी तरह से क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि आप साइट पर ही ये कंक्रीट करते हैं। रीयूज मोल्ड में कंक्रीट डालकर प्रीकास्ट कंक्रीट बनाया जाता है। दोस्तों प्रीकास्ट कंक्रीट वॉल यह एक आइडियल सॉल्यूशन है स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए क्योंकि वो वर्टिकल लोड अच्छी तरह से कैरी करती है। आगे देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कंक्रीट में लाइटवेट कंक्रीट।
दोस्तों लाइटवेट कंक्रीट की डेंसिटी 1920 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। यह कंक्रीट डिजाइन करते वक्त लाइटवेट कोर्स एग्रीगेट का यूज किया जाता है, जैसे कि क्ले, स्लेट। लाइटवेट कंक्रीट का ज्यादातर उपयोग प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, डेक्स, गर्डर, पियर्स और हाई राइज बिल्डिंग में इसका डेंसिटी कम होने की वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। लाइट वेट कॉन्क्रीट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी यूज किया जाता है, क्योंकि यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। देखते हैं अगला टाइप ऑफ कॉन्क्रीट। अगला कॉन्क्रीट है दोस्तों हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट। नाम से ही मालूम होता है दोस्तों कि इस कॉन्क्रीट की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो कितनी होती है हम आगे समझते हैं। इस कॉन्क्रीट की डेंसिटी दोस्तों 3000 से लेकर 4000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। दोस्तों हाई डेंसिटी कंक्रीट में हेवी वेट कोर्स एग्रीगेट इस्तेमाल किया जाता है। हाई डेंसिटी कंक्रीट रेडिएशन शील्डिंग के लिए यूज किया जाता है। रेडिएशन शील्डिंग मतलब रेडिएशन को ऑब्जर्व करना। साथ ही हाई राइज स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज किया जाता है। जो हाई राइज टावर होते हैं दोस्तों, उसमें लोअर फ्लोर जो होते हैं और बिलो ग्राउंड जो होते हैं, जैसे फुटिंग्स हुआ, कॉलम हुआ, जिन पर बिल्डिंग का ज़्यादा लोड आता है, उनका कंक्रीट हाई डेंसिटी कंक्रीट से किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टाइप ऑफ कंक्रीट है RMC, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, बैचिंग प्लांट पर जो मिक्स और बैच करके जो कंक्रीट बनाया जाता है उसे रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं। बैचिंग प्लांट से RMC को ट्रक माउंटेड स्ट्रांजिस्ट मिक्सर में लोड कर साइट पर लाया जाता है, और साइट पर आने पर किसी भी प्रकार की मटेरियल मिक्सिंग ना करते हुए कंक्रीट को प्लेस किया जाता है। रेडी मिक्स कंक्रीट यह एक अच्छा और स्पेसिफिकेशन बेस्ड गुड क्वालिटी कंक्रीट होता है। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि बैचिंग प्लांट और साइट की दूरी ज़्यादा ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट और बैचिंग प्लांट का अंतर ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर इसका असर सेटिंग ऑफ कंक्रीट पर होता है। तो आगे देखते हैं अगला टाइप ऑफ कंक्रीट, जो है पॉलीमर कंक्रीट। तो दोस्तों पॉलीमर कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट है कि जिसमें बाइंडर मटेरियल के लिए पॉलीमर का यूज किया जाता है। पॉलीमर कंक्रीट ज्यादातर ओल्ड कंस्ट्रक्शन को रिपेयरिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही स्विमिंग पूल, ड्रेनेज चैनल, सीवर स्ट्रक्चर, इसमें भी यूज किया जाता है पॉलीमर कंक्रीट को, क्योंकि पॉलीमर कंक्रीट जो है वो कोरोजन रेसिस्टेंस है और इसमें लो परमिसिबिलिटी फैक्टर होता है। पॉलीमर कंक्रीट के भी अलग अलग टाइप्स है दोस्तों, तो उस टॉपिक पे फिर कभी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ कंक्रीट कौन सा है। अगला है दोस्तों हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। दोस्तों वीडियो के सबसे पहले हमने नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट देखा था, अब हम देखने वाले हैं कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो दोस्तों हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट किसे कहते हैं वो आगे देखते हैं। तो जिस कंक्रीट की स्ट्रेंथ 40 MPa यानी 40 MPa से ज़्यादा होती है उसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो 40 MPa की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हासिल करने के लिए या इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वाटर सीमेंट रेशो को डिक्रीज किया जाता है। ध्यान से सुनिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए वाटर सीमेंट रेशो को डिक्रीज किया जाता है, जो कि होता है 0.35। दोस्तों मैंने ऑलरेडी वाटर सीमेंट रेशो पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो मैं आज वाटर सीमेंट रेशो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ कंक्रीट टाइप्स की ही बात करेंगे। तो दोस्तों भले ही हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की प्रॉपर्टी अच्छी हो, लेकिन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का परफॉर्मेंस जो है वो वर्केबिलिटी पर आकर अटक जाता है। मतलब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए जब भी वाटर सीमेंट रेशो कम किया जाता है तो वर्केबिलिटी कम हो जाती है। तो वर्केबिलिटी यह एक इशू बन जाता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का परफॉर्मेंस के लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो दोस्तों हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट भी एक कंक्रीट का टाइप है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हाई परफॉर्मेंस हो सकते हैं, पर ऑल हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं होते हैं। ऑल द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कैन बी हाई परफॉर्मेंस टाइप, बट नॉट ऑल हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। दोस्तों हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में
हायर ड्यूरेबिलिटी और हायर स्ट्रेंथ होती है जो कन्वेंशनल कंक्रीट से ज़्यादा होती है। इस कंक्रीट में सिलिका फ्यूम, फ्लाई ऐश ऐसे सीमेंटिटियस मटेरियल की मात्रा ज़्यादा होती है। अभी हम देखेंगे सेकंड लास्ट टाइप ऑफ कंक्रीट। सेकंड लास्ट क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा दोस्तों। तो हमारा सेकंड लास्ट कंक्रीट का टाइप है वैक्यूम कंक्रीट। दोस्तों वैक्यूम कंक्रीट में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जब वो फॉर्मवर्क में पोर किया जाता है, फॉर्मवर्क में डाला जाता है, तब पानी की मात्रा वैक्यूम कंक्रीट में बहुत ज़्यादा होती है। और फिर कंक्रीट सेट होने से पहले ही वैक्यूम पंप से एक्सेस वाटर जो होता है उसे निकाला जाता है। दोस्तों वैक्यूम कंक्रीट जो है वो अपनी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के बदले 10 दिन में ही अचीव कर लेता है और इसकी वैक्यूम कंक्रीट की क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो 25% ग्रेटर होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। वैक्यूम कंक्रीट का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फ्लोर्स, पार्किंग लॉट्स, स्लैब्स, डेक्स, ब्रिज पर ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि ड्यू टू डीवॉटरिंग थ्रू वैक्यूम बोथ वर्केबिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ आर अचीव साइमल्टेनियसली। अब हम आ गए हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो के आखिरी टाइप्स ऑफ कंक्रीट की तरफ। तो पहले जान लेते हैं कि ये आखिरी टाइप्स ऑफ कंक्रीट कौन सा है और फिर उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूंगा। हमारा आखिरी टाइप्स ऑफ कंक्रीट है पंप कंक्रीट। तो दोस्तों जानकारी लेते हैं पंप कंक्रीट के बारे में। दोस्तों जितने भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर पंप कंक्रीट किया जाता है, ये आपने भी देखा होगा, आप लोग भी जानते हैं। इस तरह के कंक्रीट में, पंप कंक्रीट में वर्केबिलिटी अच्छी होती है, इसीलिए यह कंक्रीट पंप थ्रू पास होती है। पंप कंक्रीट करते वक्त जो पाइप यूज़ किया जाता है दोस्तों वो बहुत कठोर होता है और साथ ही फ्लेक्सिबल होने की वजह से कंक्रीट करने वाले एरिया में कंक्रीट डिस्चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों ये थे एक इम्पॉर्टेंट 13 कंक्रीट ऑफ टाइप्स जिनके बारे में आज हमने जानकारी ली। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि इसके अलावा भी कंक्रीट के कुछ टाइप्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं। वो कौन से टाइप्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए वो आपको आगे बताता हूँ। उनमें है स्टैम कंक्रीट, एस्फाल्ट कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ग्लास कंक्रीट, शॉर्टक्रीट कंक्रीट, रैपिड स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो कंक्रीट के ये टाइप्स मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैंने ये टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इनके बारे में भी अच्छी जानकारी देने की कोशिश फिर किसी वीडियो में ज़रूर करूँगा। लेकिन उसके लिए अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको लगता है कि मेरे वीडियो द्वारा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। बस आपका यही प्यार चाहिए दोस्तों जिसके लिए मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँ और आपको सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज के साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। और दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लाता हूँ जो होता है सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक नॉलेज रिलेटेड। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि मैं जब भी रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँ तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।